हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग पबजी मोबाइल लाइट वीडियो में। और भैया, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको पबजी मोबाइल लाइट के बीटा अपडेट के कुछ फीचर्स और कुछ ऐसे फीचर्स जिनको आना भी नहीं चाहिए था, फिर भी वो आ गए हैं, ज़बरदस्ती ला दिए गए हैं पबजी मोबाइल लाइट में। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो मेरे भाई, हम बात कर लेते हैं अपने पहले नंबर वाले फीचर के बारे में। तो पहले नंबर वाला फीचर जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, मतलब हम बात कर रहे हैं लॉबी की। तो भैया, ये डीजे और वीजे वाली लॉबी भेज दी गई है हमारे पबजी मोबाइल लाइट वालों की तरफ से बहुत सिफारिश करने के बाद आई है, ताकि इसमें आप लोग ढेर सारी बतिया सको अपने दोस्तों से और मनोरंजन कर सको। तो भैया, लॉबी बहुत ही कूल दिख रही है। आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि आपको लॉबी कैसी लगी। मेरे को तो भैया बहुत ज़बरदस्त लग रही है। आज से मैं भैया कम से कम 30 मिनट तो अपने दोस्तों के साथ बातें ही किया करूँगा लॉबी में, और क्योंकि इतनी अच्छी लॉबी है तो भैया यूज़ तो करना पड़ेगा। तो मेरे भाई, अब बात कर देते हैं अपने दूसरे नंबर वाले फीचर के बारे में। तो मेरे भाई, जो दूसरे नंबर वाला फीचर है जो पबजी मोबाइल लाइट में आने वाला है, तो वो भैया फीचर नहीं है, एक नई जगह है जो पबजी मोबाइल लाइट वालों ने ज़बरदस्ती पेल दी है। तो भैया, ये जगह आपको कैसी लग रही है मेरे को बता सकते हो कमेंट में, बिल्कुल बता सकते हो। और साथ ही साथ भैया, मेरी ओपिनियन की बात करें तो मेरे को ये जगह कद्दू भी पसंद नहीं आई, और मेरे को लगता है कि भाई ये ज़बरदस्ती में पेल दी गई है। भाई कोई फ़ायदा मेरे को नहीं समझ में आ रहा, भाई इस चीज़ जगह का क्या फ़ायदा होगा। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई जो चीज़ मेरे को अच्छी लगे वो चीज़ आपको अच्छी लगनी चाहिए। तो भाई, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे नंबर वाले फीचर के बारे में। तो मेरे भाई, अगले नंबर वाला जो फीचर है वो हमारा हमको कहीं से भी फीचर नहीं लगने वाला है, क्योंकि भैया ये पबजी मोबाइल लाइट वालों ने ज़बरदस्ती पेल दिया है। भैया देखो, चलते हुए हील हम कर ही नहीं सकते हैं। भैया जिसने भी पबजी मोबाइल लाइट वालों को ये सुझाव दिया है ना, मेरे को एक बार नाम बता दो, बस नाम बता दो भाई। वैसे मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगा, बाकी नाम बता सकते हैं आप मेरे को कमेंट में, किसने सुझाव दिया आप में से अगर कोई है तो बता सकते, बाकी मैं उसका कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो भाई, ये चीज़ आपको कितनी ख़राब लगी, उतनी जितनी भी ख़राब लगी हो भाई कमेंट में गालियाँ भी बक सकते हो, लेकिन मेरे को मत बकना यार, पबजी मोबाइल लाइट वालों को बकना, इतनी तो रहम कर देना यार, मेरे को गाली वगैरह मत देना। तो भैया, आप बात कर लेते हैं अपने तीसरे नंबर वाले फीचर या जो भी है, तो बताते हैं फिर उसके बारे में। तो मेरे भाई, अगले नंबर वाला जो फीचर है वो हमको बड़ा ही कमाल का दिख रहा है, लेकिन भैया रुक जाओ थोड़ा सब्र करो, हम दिखाते हैं वो कितने कमाल का फीचर है आपको पबजी मोबाइल लाइट वालों ने दिया है। तो भैया, ये फ्री के झूले में हम झूलने वाले हैं, तो देखो अब कितना अच्छा आनंद आता है इसको झूलने में। तो भैया, हम इस झूले की कितनी ज़्यादा तारीफ करें जो आपको अच्छा लगेगा। तो भैया, कुल मिला के हम तारीफ अपने मुंह से कर ही देते हैं झूले की। तो भैया, इस झूले की तारीफ ये है कि भैया ये झूला इतनी स्पीड में चलता है, इतनी स्पीड में चलता है कि भैया आप चाय नाश्ता तक करके आ सकते हो। भाई कुल मिला के नहा धो के चाय नाश्ता करके आ सकते हो, तब तक ये उस पार तो पहुंच ही जाएगा। One eternity later. Two hours later. पता है मेरा इस झूले में बैठने के बाद रिएक्शन कैसा था? लैंड करना है अब अपने को भाई, 100-200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे। तो मेरे भाई, अगले नंबर वाली जो खास चीज है ना, वो इतनी खास तो नहीं है भाई, लेकिन वहाँ से आप अच्छे अच्छे नज़ारे ज़रूर ले सकते हो। भाई सामने आपको दिख गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो भाई, ये जगह बहुत ही अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी है। तो देखो भाई, क्यों मैं इसको अच्छा कह रहा। सो मेरे भाई, अगर आप AKM M4 फलाना ढिकाना गन चला के बोर हो चुके हो, तो भैया इस जगह, ये जगह आपके लिए है बनी है, बिल्कुल आप यहाँ आ सकते हो, मज़े कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो, पिकनिक मना सकते हो। मजाक कर रहा भाई, बाकी ये जगह सचमुच अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि भाई यहाँ पे पहाड़ में जब जोन बनता है ना, तो भैया चढ़ने उतरने में फटके चार हो जाती है। तो भैया, ये जगह बहुत ही अच्छी लगी। बाकी भाई लोग, ये जो जोन आपको आते हुए दिख रहा है बिल्कुल नीले टाइप का, अगर हमको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल इसी जोन के कलर का लाइक के बटन को कर सकते हो।
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी कर सकते हो, आपके भाई का ही चैनल है। तो भैया आप बात कर लेते हैं अगले नंबर वाले अच्छी चीज़ों की जो कि वाकई में मेरे को अच्छी लगी हैं। सो मेरे भाई अगर आप हो चुके हो बोर अपने पुराने वाले TDM से तो भैया ये मैप बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा बनाया है PUBG Lite वालों ने। लेकिन भैया एक कमी तो मैं कहूँगा कि कर दी है PUBG Lite वालों ने, डाउनटाउन का मैप वापस नहीं किया। भाई क्या बोल सकता हूँ मैं उनके लिए, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं क्या करूँ। बट भाई लोग PUBG Lite वालों ने दो अच्छी चीज़ें आपको ज़रूर दी हैं जो कि TDM में काम आएंगे आपके लिए, और एक चीज़ तो आपको एरेंगल मैप में भी काम का आएगी जो कि आपने PUBG Mobile Lite में बहुत पहले देख ली होगी। तो भैया ये क्लाइम वाला जो ऑप्शन है क्या ही कूल लगता है, सचमुच इस चीज़ की नीड थी हमको PUBG Mobile Lite में। तो भैया ये फीचर आपको कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में मेरे को बता सकते हो, नहीं भी बता सकते हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन इसमें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई उससे दिक्कत हो सकती है। तो मेरे भाई अब बात कर लेते हैं अपने अगले फीचर के बारे में जो कि इसी TDM में काम आएगा। तो भैया मैं दिखा देता हूँ मेरे भाई, जो मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगी ना वो इस अपडेट में, वो जो ये सरक रहा है ना, ये जो सरक रहा है भाई क्या ही कूल दिखता है। और एक और चीज़ जो वो क्लेम करता है वॉल में, तो भैया ये चीज़ें जो है बहुत ही बेस्ट दी हैं PUBG Mobile Lite वालों ने। लेकिन भाई एक दो चीज़ें जो कि हील नहीं कर पाता है, वो गाड़ी में बैठ के भी नहीं हील कर पाता, तो भाई ये चीज़ बहुत ख़राब की है। आई होप कि वो लोग इस चीज़ को फिक्स कर दें जल्दी, नहीं तो ये चीज़ भाई बहुत ही मतलब ख़तरनाक है, आपको PUBG Mobile Lite में काम नहीं आएगी भाई ये चीज़ बहुत ही। एक तो डैमेज वगैरह का इशू बहुत है PUBG Mobile Lite में, जिसके चक्कर में भाई ये चीज़ बहुत नुकसान देगी काफ़ी सारे प्लेयर्स को। सो मेरे भाई इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट, लव यू ऑल गाइज़।